पारिवारिक फिल्म है कुटुंब द फैमिली, ये वो दौर है जहां पर वेस्टर्न कल्चर का वो कुछ ज्यादा ही वर्चस्व है। उस दौर में आपने फिल्म बनाई और फिल्म का जो तो टाइटल ट्रैक है आपने कुमार सानू दास से ही आपने नाम गवाया, क्या कहेंगे आप और कैसे हुआ ये सब? एक्चुअली में एक ड्रीम था जो बचपन से पाला हुआ था, एक छोटा सा पौधा जो एक टाइम आने पे पेड़ बन जाता है। तो यही कहानी है मेरी म्यूज़िक की कहानी, कि उन दिनों जब मैं सोचा करता था, सुना करता था उनका म्यूज़िक, उनके गाने, उनकी आवाज़, और एक दिन ड्रीम था कि एक कोई ऐसी फिल्म आएगी। पहली जो फिल्म थी मेरी लाइफ में ट्विस्ट है, तो उसमें शान, जावेद अली वगैरह सबने गाया हुआ था, लेकिन एक दिल में थोड़ी कसक थी कि जो जिनको हम अपना आइडियल मानते हैं उनके साथ कब काम करूँगा। तो ये जो फिल्म का सब्जेक्ट आया और जब टाइटल ट्रैक जब कंपोज किया मैंने, तो सिर्फ एक ही बात आई कि भाई आर्यन अभी अपना सपना पूरा कर सकते हो। तो ये जैसे ही एक मिस्टर श्याम अवतार केडिया जी फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने पूरा फिल्म का म्यूज़िक मुझे दिया। मेरे डायरेक्टर साहब ने पूरी जिम्मेदारी मुझे दी म्यूज़िक की और ट्रस्ट किया। तो ये चीज़ जब किसी पे ट्रस्ट करते हो आप, तो आपकी जिम्मेदारी जो है ना वो बहुत निखर के आती है। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा एक अनुभव था मेरी ज़िंदगी का, कि कुमार सानू साहब को और अलका जी को, जावेद अली जी को फिर से इसमें फिल्म में गवाया है, शायद माल्या जी ने भी गाया है, और तीन सिंगर नए भी इसमें लॉन्च किए हैं हम लोगों ने। तो एक बहुत अच्छा अनुभव रहा। लीजेंड के साथ काम करने का ड्रीम था वो पूरा हुआ है मेरा। तो ये भी कहा कि आपने 90s किया थे। हाँ, वो एक्चुअली में यस वो एक्चुअली फिल्म की सिचुएशन ऐसी थी, तो उस हिसाब से कंपोज किया गाना कि ये भी ना लगे कि हम पूरे 90s में पहुंच गए हैं, ये भी ना लगे कि 2017 के ऊपर जा रहे हैं। तो उस चीज़ को ध्यान रखते हुए, सिचुएशन को ध्यान रखते हुए इस फिल्म का म्यूजिक किया है। जी, राजपाल भाई ने बहुत उनके साथ, एक्चुअली मैं NSD आर्टिस्ट हैं, तो वैसे भी उनको म्यूजिक का सेंस बहुत अच्छा सेंस है। और जब हम लोग बैठे, मैं और मेरे डायरेक्टर अमित जी, तो जब जो गाना कंपोज हुआ तो हम लोग एक ही बात सोच रहे थे कि ये कुछ डिफरेंट टोन दिए जाए इस गाने को। और जो अवध का छोरा जो गाना था, तो हम लोग जैसे भैया के पास पहुँचे, फिर हम लोगों के माइंड में आया, तो फिर भैया को सुनाया, तो भैया ने पहले तो मना किया, फिर हम लोग के रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने हाँ किया। और 7 दिन तक उनको रेगुलर में उनके घर पे सिखाया उस चीज़ को, और वो 8वें दिन स्टूडियो में इतना अच्छा गाया कि मेरी सोच के कहीं ऊपर पहुंच गया था वो गाना। आपको क्या रिस्पॉन्स मिल रहा था म्यूज़िक का? मुझे तो इंडिया, तो ठीक है, पूरे वर्ल्ड से मैसेज आ रहे हैं कि आपने जो म्यूज़िक किया है कुटुंब का टाइटल ट्रैक और भी जितना म्यूज़िक है, सब मेलोडी को मैं रिटर्न कर रहा हूँ, सब लोग बड़ा प्यार कर रहे हैं, बड़ी मोहब्बत कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये चीज़ मिलेगी हम लोगों को, तो मैं इस चीज़ को बरकरार रखूँगा। आप लोग यदि इस चीज़ को पसंद नहीं करेंगे, तो हम भी उसी में चले जाएंगे जिसमें सभी लोग बह रहे हैं, जिस धारा में। दो लाइन जी। जी, जन्मों का है ये बंधन, जो तोड़े से नहीं टूटे, रिश्तों की इस बगिया का कोई भी फूल ना सूखे, प्यार ही प्यार जहां बरसे, मिलजुल के जहाँ रहते, जहाँ रिश्तों की मर्यादा, ये कुटुंब स्वर्ग मेरा है, ये कुटुंब स्वर्ग मेरा है। एक्सलेंट, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।